छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में आज 5.7 करोड़ रुपए की लागत से बडैहर सासन उदयपुर लमलेढ़ा पेखुवेला सड़क के सुधार एवं चौड़ा करने के कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सासन में 50 लाख से नवनिर्मित 4 कमरों और 3 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई सोलर स्ट्रीट लाइट्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में सतपाल सत्ती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए हर सड़क को डबल किया जा रहा है ताकि किसी आपात स्थिति में अपने गंतव्य तक पहुंचने में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि सासन लमलेड़ा और उदयपुर को जाने वाली संपर्क सड़कों को चौड़ा करने का काम आरंभ कर दिया जाएगा। इस सड़क का कार्य पूरा होने से ऊना विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्रामीण सड़कें डबल हो जाएंगी। उन्होंने इस सड़क के लिए धन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया। सत्ती ने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 2.61 करोड़ से लोहर देहला पंचायत में लोहर देहला से बडहर सदियाना तालाब से बसदेड़ा संपर्क मार्ग में मोहल्ला चौधरिया और संपर्क मार्ग में मोहल्ला महंता तक सड़कों के सुधार का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ की लागत से ऊना संतोषगढ़ उन्नत सड़क तैयार की गई है। साथ ही 63 लाख से बसदेड़ा और 62 लाख से संधोगढ़ के राजकीय पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 4.21 करोड़ रुपए से बसदेड़ा में निर्मित होने वाले 30 बस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण प्रगति पर है। सत्ती ने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में सोलर लाइट्स के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में 185 सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत 22,33,875 रुपए की धनराशि व्यय करके 185 सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, जिनमें अब तक 126 सोलर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें भी स्थापित की जा चुकी हैं, जिन पर 15,21,450 रुपए व्यय किए गए हैं। सत्ती ने बताया कि जनकौर और बरसाड़ा में 30, सासन में 20, कुठार कला में 20, कुठार खुर्द में 20, अबादा वारना में 20 और झुंडोवाल में 16 16 सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। नाम है उदयपुर। इन तीनों गांवों के रोड हमारे डबल लेन बनने से रह गए हुए थे। ऊना विधानसभा क्षेत्र में सभी रोड गांवों के भी डबल लेन हो गए हैं। ये तीन गांवों के रहते थे, तो इन तीन गांवों के रोड को डबल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 19 नवंबर को महतपुर में जब आए थे तो 5,73,00,000 रुपया दे करके इनका शिलान्यास किया था। उसका आज शिलान्यास पट्टिका का अनावरण हमने जहां पर किया है, तो इन तीनों गांवों के रोड 5.25 करोड़ पैसे जो बन करके तैयार होंगे और एक अच्छा बढ़िया रोड डबल रोड जिसमें बरसात में भी कोई दिक्कत ना आए, कोई गाड़ी को दिक्कत ना आए। उसके साथ साथ 10 जमा 2 स्कूल शासन का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 24 मार्च 2018 को महतपुर में ही किया था, जब पहला विजिट उनका ऊना विधानसभा क्षेत्र का हुआ था। उसके बाद इस स्कूल के लिए लगभग 50 लाख रुपया इन 4 कमरों के निर्माण के लिए लगा है। उस 50 लाख से अच्छे कमरे बनकर के तैयार हुए, आज इन कमरों का भी उद्घाटन किया गया है। बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। इन सब बातों के लिए मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सासन लमलेड़ा और उदयपुर गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके गांवों के जो रोड बनने के लिए 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया है। उस स्कूल जो सासन और लमलेड़ा के लिए ही ये स्कूल प्लस टू सब हमने किया था, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जहाँ से नंगड़ा जाती थी 4 किलोमीटर दूर या फिर चढ़तगढ़ जाते थे, बारिश और धूप में दिक्कत होती थी क्योंकि बसों की सुविधा नहीं है, पैदल जाना पड़ता था खास करके लड़कियों के लिए। तो हमने स्कूल उस समय जो किया है इसमें अच्छी शिक्षा चल रही है, और आने वाले समय में और शिक्षा में सुधार के लिए जो भी करने का होगा हम लोग करेंगे। सासन गांव के अंदर आज जैसा मैंने बताया कि स्कूल के कमरों का उद्घाटन किया गया है, सड़क का शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है। उसके साथ साथ सासन गांव में हमने और लमलेड़ा गांव में स्ट्रीट लाइट्स दी हैं। सासन में 20 लाइट्स दी हैं, उसका भी अब शुभारम्भ हम लोग करेंगे।
और गांव के अंदर लाइट हो, रात के अंधेरे में बुजुर्ग महिलाएं पुरुष जो भी कहीं बाहर से आता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए अलग अलग गांवों में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की थी उनके टूर में कि 185 लाइटों का एस्टीमेट बना था। तो हमने इन सब गांवों के लिए जुड़वाल, मुही और उसके साथ सासन, लमलेड़ा, बड़ैहर, ऐसे जो साथ लगते हमारे गांव हैं, इन गांवों के लिए जनकौर में, बारसड़ा में, सुनेरा में और बरन्ना में इनके लिए 185 लाइट्स हम लोगों ने दी हैं। उन लाइटों को हम लोग लगवा रहे हैं।